दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कश्मीर से। देखो कितनी ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। गाड़ी आप पीछे देखेंगे पूरी पैक है। कम से कम भी 1 फुट से ज़्यादा तो गाड़ी के ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा नज़ारा है। बट अभी हमें गाड़ी यहाँ से निकालनी पड़ी, नहीं तो आज और हम फंस जाएंगे। क्योंकि आज हमने जाना है श्रीनगर हाउस बोट के लिए। बाकी नज़ारा तो यार इतना सुंदर, आज ज़्यादा हुई है बर्फबारी और आगे होनी है। तो सबसे पहले हमें गाड़ी निकाल के आगे करना पड़ेगा ताकि गाड़ी फंसे ना, क्योंकि अभी चेन लगाएंगे, उसका ऊपर जाएंगे, गाड़ी ऊपर खड़ी करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे हम। देखो अब मेरे पीछे आप देखेंगे इतना सुंदर ये रास्ता, इतना सुंदर कि क्या बताएं। मैंने आज तक इतना ऐसा कभी भी नहीं देखा है। तो मेरे लिए तो ये जन्नत है। और यहाँ से अभी हम निकलेंगे, थोड़े आगे जाके गाड़ी खड़ी करेंगे, जहाँ पे जो है वो हमें जितना हो सके हम आगे लगाएंगे ताकि ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। बाकी गाड़ी मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। ये देखिए क्या हाल है, पूरी तरह से पैक है, पूरी तरह से ऊपर से भरी हुई है, फुल टू पैक। तो अभी गाड़ी करेंगे स्टार्ट और देखेंगे थोड़ा कैसे इसको लोड करना पड़ेगा सारा सामान इसमें पहले। दोस्तों अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से श्रीनगर की तरफ, और माशाल्लाह अंकल जी और इनकी फैमिली का बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमें प्यार दिया कि क्या बताएं। ऐसा कुछ होगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। कश्मीर में आके घर में रहेंगे, गांव में रहेंगे, गांव में घूमेंगे, और आप देखिए भगवान की मेहर, नीचे इतना ऊपर से इतनी अच्छी बर्फ भी गिर रही है अब चारों साइड। अब अंकल जी जी सब देख रहे सर, हैं आपको, बिल्कुल बहुत-बहुत थैंक्स आपका, चलो पूरी शुक्रिया फैमिली का शुक्रिया। और आप अपने घर वालों को सलाम बोलना। सलाम सलाम चलो, सलाम। कुछ तकलीफ हो गया माफ करना। नहीं 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 इंशाल्लाह नहीं हम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आइए, मोस्ट वेलकम। आप इधर, हाँ हाँ जाएंगे। जी 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 और आप देखेंगे यहाँ पीछे सारा का सारा जो है वो बर्फ से, पूरी वैली बर्फ से ढकी हुई है, पूरी वैली। अभी हम बाय करेंगे अपने छोटे दोस्तों को। ये इधर आओ, इधर छोटे दोस्त, आजा आजा। बड़ा खतरनाक बंदा है। हाँ ये है हमारा छोटा डॉन, जाएगा चंडीगढ़। शिवा शिवा इसका नाम है। हाँ बाय करो, बाय ऐसे करो, बाय यहाँ पे करके बाय करो, बाय। ये कश्मीरी टमाटर है ये। और ये है दूसरा, इसको थोड़ा बुखार हो गया था, आज अब ये ठीक हो गया है। ठीक है बाय करो, बाय। ये वही है जो स्टंट मारता था। तो दोस्तों गाड़ी का जो दरवाज़ा है वो नहीं खुल रहा है, आज फिर ये काम आएगा। तो जो जो चीज़ें लेके आए तो एक एक बार वो ज़रूर काम आ रही है। अभी निकालूंगा मैं यहाँ से। हैवी स्नोफॉल में काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि हाथ से करोगे तो हालत ख़राब हो जाएगी। आई थिंक अभी हो गया है, देख खोल के देखता हूँ उसकी। हाँ अभी हो गया है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है, अब देखना पड़ेगा गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं। तो लो भगवान का नाम और करते हैं ट्राई। जय हो भोलेनाथ। हो गया स्टार्ट, अभी करेंगे घर में इसको, फिर अंदर से सामान लेके अगली तैयारी करेंगे। तो दोस्तों गाड़ी हो चुकी है अभी पैक पूरी पूरी तरह से, और बर्फबारी कंटिन्यू हो रही है। तो जवाहर टनल में तो बहुत ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि और कह भी यही रहे हैं कि 2-3 दिन बंद रहेगा। बट
मुंह में चलेगी बर्फ। बट जो कमाल की जगह है यार, क्या बताएं, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। पेड़ भी पूरे के पूरे जो है वो बर्फ से ढक चुके हैं। ये है कश्मीर। तो दोस्तों बर्फ इतनी ज्यादा हो गई है, क्या बताएं। काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है, अभी गाड़ी को चढ़ाना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी आप देखिए, ये देखो, टर्न करो, टर्न मेज भाई सुनो, शीशा नीचे करो, हाँ टर्न करो, हाँ। पूरा जाने दो भाई, बाहर से इधर से जाने दो। अभी स्नो चेन लगा है तभी चढ़ सकती है, ऐसे तो मुश्किल है। ये देखो कितना ज्यादा, ये पीछे से ही आना पड़ेगा। हाँ अभी पीछे से ही आना पड़ेगा क्योंकि मोशन नहीं बन रहा है गाड़ी का, ट्रैक्शन नहीं पकड़ रहा है। पीछे बैक करना है, हाँ। पूरा काटो पहले, पूरी करो बंद हो गया, क्लच दबाओ, चलो जान दो पीछे, बस चलो आगे है। कोशिश तो पूरी चल रही है गाड़ी की तरफ से, पीछे लेके फिर मोशन बनाएंगे, देखते हैं। चेन भी काफी ढीली लग रही है वैसे भी। पर बहुत ज्यादा बर्फ है। उधर से ऐसे तो नहीं,
सभी भाइयों को बहुत बहुत थैंक्स। सोहेल भाई, भाई का नाम सलीम भाई, हमारा जादू और ये अंकल हमारे, सबको बहुत थैंक्स। हमारे मनीष भाई पीछे, हेलो। अभी हमें आधा घंटा हो गया इसमें फंसे हुए।